सो हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये कि आज इवनिंग में आपको कौन सा वीडियो चाहिए, टॉप 100 जीके का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, फिर टॉप 100 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन का अगला पार्ट, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वही जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे मैं वही आपको करवा दूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को यानी रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। ऑप्शन है आपके 1911, 1912, 1913 या फिर 1917। तो ये तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि किस फील्ड में मिला था और उसके बाद कि किस ईयर में मिला था। तो सबसे पहले तो इन्हें मिला था 1913 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और किस क्षेत्र में दिया गया था, ये दिया गया था इन्हें लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए इन्हें ये नोबेल मिला था 1913 में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कारगिल द टर्निंग राइड के लेखक हैं, एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल द टर्निंग राइड। ऑप्शन है आपके मोहिंदर पुरी, अनीता नायर, चेतन भगत या फिर दुर्जय दत्त। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मोहिंदर पुरी। तो मोहिंदर पुरी के इसके लेखक हैं इस किताब को जिसका नाम है कारगिल द टर्निंग टाइड, जो कि कारगिल वॉर के बारे में है। आप कमेंट में सभी लोग मुझे ये बताइए कारगिल वॉर किस ईयर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट बताना यानी कि कौन सा सही मैच्ड नहीं है। ऑप्शन है आपके आतंकवाद विरोध दिवस यानी कि टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट डे, किस दिन मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस का मनाया जाता है क्या 30 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है क्या 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही मैच डे नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी को नहीं बल्कि 30 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा फुल फॉर्म से। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पता है मैं डेली एक एक करवाता हूँ और इम्पॉर्टेंट वाले होते हैं, तो आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है और ये है आपका, चलिए पहले तो देखते हैं, नहीं तो अगर मैं बता दूँगा तो फिर आप समझ जाओगे। PSLV का पूर्ण रूप क्या, यानी वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV। आपने ज़रूर सुना होगा PSLV, और कब सुना होगा, जब इसरो जो है अपनी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करता है। तो क्या आपको इसका फुल फॉर्म मालूम है? अपने ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरा है परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल और चौथा है प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपने अगर PSLV सुना है तो आपने GSLV भी ज़रूर सुना होगा। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सिर्फ पोलर की जगह यहाँ पे जियोसिंक्रोनस लग जाएगा GSLV में। और अंतर क्या होता है अगर मैं आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि PSLV और GSLV में, तो जब हमें अपनी जो मिसाइल्स होती हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं, अगर हमें उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में यानी अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं उनको लैंड करवाना होता तो हम PSLV का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा हायर ऑर्बिट में उनको लैंड करवाना चाहते हैं तो हम GSLV का यूज़ करते हैं। बेसिक सा ये डिफरेंस होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपके फेवरेट स्पोर्ट्स से। ये क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था, नहीं द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, USA एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में। क्रिकेट तो आप हमेशा खेलते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला मैच किन दो कंट्रीज़ के बीच में खेला गया था? तो ये खेला गया था ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन है आप 7th नंबर पर, कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाना जाता था, यानी वॉट वॉज नोन एज निष्क इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में हर चीज़ के बहुत सारे अलग अलग नाम थे, जैसे कि आप देखो तो गाय को यानी काउ के लिए हम यूज़ वर्ड करते थे अघन्न। और ये सब पता कहाँ से चलते हैं, ये सब जो एंशियंट लिटरेचर्स होते हैं जैसे कि ऋग्वेद हो गए, उपनिषद हो गए, तो वहाँ पे ये लिखे रहते हैं और फिर वहाँ से ये डिसाइफर किया जाता है, ये मालूम किया जाता है कि इसका मतलब ये था। तो ये किसके लिए, निश्क किसके लिए यूज़ किया जाता था, गोल्ड ज्वेलरी के लिए, गायों के लिए यानी काउस के लिए, कॉपर कॉइन्स के लिए या फिर सिल्वर कॉइन्स के लिए। तो काउस के लिए तो मैंने अभी बता दिया, अघन्नी वर्ड यूज़ किया जाता था, तो ये तो होगा नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए गोल्ड ज्वेलरी, तो गोल्ड ज्वेलरी के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे निश्क। अगर आप देखो तो एक गोल्ड फेमस कंपनी है, आपको पता होगा कनिष्क नाम से है कि नहीं, कनिष्क, तो वो एक्चुअली वर्ड यहीं से लिया गया निश्क, कनिष्क से, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी एंशियंट इंडिया से ही है, कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीम बेटका इज़ फेमस फॉर, तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए यानी केव रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है ये खनिज यानी मिनरल्स के लिए फेमस है, ये बुद्धिस्ट स्टैच्यूज़ के लिए फेमस है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये फेमस है गुफाओं के शैलचित्र यानी केव रॉक पेंटिंग्स के लिए। और ये है कहाँ पे, भीम बेटका केव्स हैं कहाँ पे, ये हैं MP यानी मध्य प्रदेश में हैं ये भीम बेटका केव्स। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलित वेदशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, यह किसने बनवाया था, यानी हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली कॉल्ड जंतर मंतर, अकबर, शाहजहाँ, सूरजमल या फिर जय सिंह टू। तो ये बनवाए थे, किसने बनवाया था, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जय सिंह टू ने बनवाया था, जो कि है जंतर मंतर दिल्ली में, ठीक है। आपको पता होगा यहीं पे जो है सारे धरने दिए जाते हैं, सारे प्रोटेस्ट होते हैं। तो हमारे GK क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं, अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस सरकार ने यानी किस राज्य की सरकार ने शुरू की, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना। ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना, इन लाइन्स विथ, मतलब कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है आयुष्मान भारत, ठीक है, जिसको PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, इसी के पैरेलल है ये योजना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैर वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये की है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में ये 14 पैर वाले कॉकरोच की खोज की गई है सिंगापुर के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लूडेस रोमन कैथोलिक तीर्थस्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन यात्रा शुरू की है, यानी रिसेंटली द लूडेस रोमन कैथोलिक पिलग्रिमेज साइट ऑफ विच कंट्री स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ऑनलाइन ट्रैवल इन द वर्ल्ड। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा ये पूरा क्वेश्चन ऐसे करके, बस आपसे ये पूछ लेगा लूडेस रोमन कैथोलिक पिलग्रिमेज किस कंट्री में, सिंपल सा इतना। वो ये नहीं बताएगा कि हाल ही में किसने किया है, फिर वो आपको ये हिंट देगा ही नहीं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आपसे वो पूछ लेगा और आपको लगेगा कि ये स्टैटिक का पार्ट है। ऑप्शन हैं आपके रशिया यानी रूस, इटली, फ्रांस या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस में यह है लॉर्डस रोमन कैथोलिक पिलग्रिमेज। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर की, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ है, वे कौन थे, यानी रिसेंटली जुआन मार्से डाइड, हु ही वॉज यानी किस फील्ड से वो रिलेटेड थे, राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, सिंगर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यासकार थे, यानी वो एक नॉवेलिस्ट थे जुआन मार्से। सिंपल वो आपसे पूछेगा जुआन मार्से का संबंध किस क्षेत्र से, यानी जुआन मार्से इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो नॉवेलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने का समझौता किया है, यानी रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या फिर मालदीव्स। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स। तो मालदीव्स के साथ ये हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज शुरू की जाएंगी COVID-19 पैंडेमिक के चलते। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना, क्योंकि यह है क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट डे। ये क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया, यानी रिसेंटली DRDO हैज़ डेवलप्ड विच ड्रोन फॉर एक्यूरेट सर्विलेंस इन इंडियन आर्मी, भारत, अग्नि, नक्षत्र या फिर त्रिकाल। फिर से ऑप्शन आप देख लीजिए ढंग से और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो मैंने आपसे कल पूछा था। तो जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि SBI कार्ड के नए MD व CEO
कौन बने, यानी हु हैज़ बिकम या फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। तो ऑप्शंस आपके थे जयशंकर कुमार, रघुराम, अश्विनी कुमार या फिर नानोतीस। तो अगर आपने जयशंकर कुमार लगाया तो बिल्कुल गलत है आपका आंसर, और अगर आपने रघुराम लगाया है तो भी आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अश्विनी कुमार है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने अश्विनी कुमार लगाया बिल्कुल सही है आपका आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर वाले ऑल ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।